नामांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने के साथ ही मेवाड़ संभाग के लोकसभा चुनाव की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर कुल 34 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनावी मैदान इस बार कुछ पार्टियां नदारद हैं तो कुछ नई पार्टियों ने अपनी ताल ठोक कर दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पेश है मेवाड़ संभाग के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे प्रत्याशियों से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य मेवाड़ बागड़ संभाग इस लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे मेवाड़ संभाग के पिछले 2.5 दशक की बात करें तो यहां पर जीत का परचम लहराना दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती के समान रहा है। संभाग की 4 सीटों पर इस बार 34 प्रत्याशी इस बार मैदान में 2014 से ज्यादा प्रत्याशी। बीटीपी ने इस बार पेश की मजबूत दावेदारी। आदिवासी इलाके में ट्राइबल पार्टी का जादू। बीटीपी बिगाड़ सकती है कांग्रेस बीजेपी का खेल। बीते विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुकी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने इस बार उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसने कांग्रेस के साथ बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ा रखी है। इसके अलावा बीएसपी ने संभाग की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर आदिवासी अंचल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की फिराक में है। संभाग में 8 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी रण में उतरे हैं, जिनमें सर्वाधिक 5 निर्दलियों की संख्या तो राजसमंद जिले की ही है। संभाग मुख्यालय वाली सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोई भी चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। संभाग के जिलेवार प्रत्याशियों की बात करें तो उदयपुर से मैदान में 9 प्रत्याशी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ से 10 प्रत्याशी, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि महिलाओं के हितों का दंभ भरने वाली राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में महिलाओं को मौका देने में रुचि नहीं दिखाई। संभाग में उतरे 34 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 2 है। बीजेपी ने यहां राजसमंद से दिया कुमारी तो सीपीआई ने चित्तौड़गढ़ से राधा भंडारी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने संभाग के 4 सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों पर ही अपना भरोसा जताया है। आगामी 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के सभी 34 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 23 मई को आदिवासी बाहुल्य इन सीटों पर जनता का जनादेश सबके सामने आ जाएगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो चारों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने उतरी बीटीपी अप्रत्याशित नतीजों के साथ सामने आ सकती है। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।